हाय गाइस, आई एम विशाल सकलानी। वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल सकलानी आर्क्स। सो बेसिकली एक आर्क चल रहा है, बट आजकल जब इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर स्नेह राणा अपना न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप कंप्लीट करके अपने होम टाउन उत्तराखंड देहरादून में आई है, तो वो अभी इधर स्टे कर रही है। एंड आज उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था देहरादून में, जो उत्तरांचल प्रेस क्लब में था। तो उधर उन्होंने अपने वर्ल्ड कप से रिलेटेड कुछ मेमोरीज और जो उनका एक्सपीरियंस था वर्ल्ड कप के टाइम पे, वो शेयर किया था। तो वो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि उनकी क्या क्या मेमोरी थी, उन्होंने क्या क्या अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। तो अगर आपको अली वीडियो पसंद आएगी तो मेरे साथ भी शोर से सब्सक्राइब करना, साथ में लाइक कमेंट एंड शेयर करना। कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, तो मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है फर्स्ट वर्ल्ड कप का, और काफ़ी चीज़ें सीखी है मैंने इस वर्ल्ड कप में। उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है और पूरे प्रदेश का गौरव है। आप अपने पर्वतीय क्षेत्र की बेटियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं कि वो भारतीय क्या विश्व में अपने उत्तराखंड का नाम रोशन करें? सबसे पहले तो मैं सभी को यही बोलना चाहूंगी कि आप मेहनत करते रहिए। आप कोई भी क्षेत्र में है, कहीं पे भी है, आप मेहनत करना मत छोड़िए। और मेहनत की जो रिजल्ट है, आप सभी के सामने मैं आज बैठी हूँ, तो मैं बस ये कहना चाहूंगी कभी भी हिम्मत मत हारिए, बस मेहनत करते रहिए। जो एक हमारी जो टीम बनती है वहाँ आपका कहना है कि अलग अलग राज्य से आते हैं सारे, तो हम लोगों के पहले कैंप्स लगते हैं, तो हम लोग वो कैंप्स में इतनी ज़्यादा बातचीत करते हैं आपस में, ताकि हम कोऑर्डिनेशन बनाते हैं आपस में, मैचेस खेलते हैं प्रैक्टिस मैचेस, तो वो उस तरीके से हम अब हमारा तालमेल बन जाता है। वर्ल्ड कप में जाने में आपका स्किल्स मैटर करता है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आप जितने मेंटली स्ट्रांग रहते हैं अब वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और तैयारी मेरी सिर्फ मेंटली ही थी, मैंने सिर्फ यही सोचा था कि मुझे अपना बेस्ट करना है। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं 4 विकेट हॉल लूँगी या 5 विकेट हॉल्स लूँगी, तो मुझे बस अपना बेस्ट करना था जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वही उसका रिजल्ट मिला। मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज मेरा फर्स्ट वर्ल्ड कप था और वर्ल्ड कप का फर्स्ट मैच था और मेरी फर्स्ट 50 थी ODI की, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट है, और अगेंस्ट पाकिस्तान, तो काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट टारगेट तो अभी हमारे डोमेस्टिक होने वाले हैं, तो अभी फोकस अभी उस पर ही रहेगा, और आगे काफ़ी सीरीज आने वाली है, कॉमनवेल्थ आने वाले हैं, तो उसी की प्रैक्टिस चलेगी। लेकिन उसमें कभी आपको लगता था कि बैटिंग बैटिंग बड़ी वेस्ट है, फिर अगले मैच में एकदम ड्रॉप हो जाता है, ऐसी क्या कमी थी इंडियन टीम में जो यानी कि बार बार एक मैच के बाद दूसरे मैच यानी कि हीरो हो जाते हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि आप जब बाहर जाते हैं तो वहाँ के पहले तो कंडीशंस आप कैसे हैं उसे समझने में थोड़ा टाइम लगता है, और एक डे के ऊपर भी बात होती है। हर वक्त क्रिकेट में ये नहीं होगा कि आपके तीनों डिपार्टमेंट काम करें, ये ज़रूरी नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप डे बाय डे कुछ सीखोगे, और हर वक्त एक मैटर होता है लक का, शायद उस दिन हमारा लक नहीं था, वो डे नहीं था, इस वजह से हम लोग नहीं कर पाए, बट प्लेयर्स ने अपना बेस्ट दिया। ये तो आप हर सिचुएशन में कह सकते हैं, अगर आपके रन कम होते हैं तो आपको लगता है 15-20 रन और होने चाहिए थे, आपके विकेट चले जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अरे ओपनर्स को थोड़ा रखना चाहिए था, तो ये हमेशा चलता रहेगा कुछ ना कुछ, बट आई थिंक हमारी टीम ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, अच्छा क्रिकेट दिखाया है, और बस थैंक यू। देखिए, वो एक लेजेंड है, ऑब्वियसली उनका टीम में खेलना एक बहुत अलग तरीके से मैटर करता है, बट मैं ये कहती हूँ कि अगर मतलब हमारी टीम ज़्यादा स्ट्रांग थी
कमी जरूर थी झूलन गोस्वामी की, बट दूसरी तरफ हमारे यंगस्टर्स भी अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम पे और अच्छा करेंगे। देखिए बच्चे तो वैसे ही भगवान का रूप होते हैं सब कहते हैं, तो वो हम लोग जब मैच खत्म हुआ तो वो अपनी बेटी को लेके वहाँ पर खड़ी थी और वो बहुत प्यारी स्माइल कर रही थी, तो हम लोग सब जाके वहाँ पर खड़े हुए और उनके साथ बातें करने लगे और बस उनकी बेटी के साथ खेलने लगे। देखिए आप किसी भी टीम के साथ खेले, आप हमेशा टीम जब आप मैच खेलने उतरते हैं तो वो आप राइवल्स ही समझते हैं, लेकिन ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं था कि अरे पाकिस्तान है, ऐसा नहीं था। जैसे आप दूसरी टीम के साथ खेलते हैं वैसे ही पाकिस्तान के साथ हमने खेला, और जो आप माहौल कह रहे हैं बाहर का वो बेशक उनकी बेटी बहुत ही प्यारी थी इसलिए हम सब उसके साथ खेल रहे थे। दबाव तो हर किसी के साथ होता है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, ये तो सबने बस बनाया हुआ है कि अरे इंडिया पाकिस्तान मैच है, बट हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, ये हमने सिर्फ यही सोचा था मैच बाय मैच खेलेंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो वेस्ट इंडीज हो चाहे कोई भी हो। बिल्कुल, मेरी सर और मैम से लगातार बातें होती रहती है, चाहे मैं कहीं भी चले जाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बारीकियां इन्होंने मुझे सिखाई हैं वो शायद आगे मुझे नहीं सीखने को मिले, तो मतलब हर किसी का अपना अपना तरीका होता है सिखाने का, तो मुझे जब भी जरूरत पड़ती है या मैं किसी टेंशन में होती हूँ तो मैं सर और मैम से बात कर लेती हूँ। प्रेशर तो देखिए सेम ही रहता है मोस्टली, बस ये है कि आप जब बड़े स्टेज पे जाते हो तो वहाँ पे और भी बेस्ट प्लेयर्स के साथ आप कम्पीट करते हो, वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर्स के साथ कम्पीट करते हो, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, बट आजकल डोमेस्टिक क्रिकेट इतना बढ़ गया है कि यहाँ पे भी वो प्रेशर सेम फील होने लगा है। एक चीज़ और, इस बारे में कहना तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बट इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी फिलहाल, तो ये सब उनका इंडिविजुअल डिसीजन है, मिथाली राज और झूलन गोस्वामी का, वो जैसे भी करेंगे। देखिए मैंने पहले भी बोला है ये उनका पर्सनल मैटर है और ये उनका पर्सनल डिसीजन है, इंडिविजुअल डिसीजन है, तो इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। जब आपने स्टार्टिंग फेज क्रिकेट शुरू किया था तो आपने जैसे क्रिकेट खेलना घर में भी कहा, कभी किसी ने कहा गया लड़की है नहीं पाएगा, ऐसा कभी स्टार्टिंग फेज था? बिल्कुल रहा है, बहुत सारे थे जिन्होंने बोला है कि क्या करोगी क्रिकेट खेल के या नहीं खेलना चाहिए तुम लड़की, बट मुझे लगता है कि अगर शायद वो लोग नहीं भी रहते तो मुझे वो मिलता भी नहीं है, कि जो जुनून रहता है या दिखाने का अंदर रहता है कि नहीं इनको मैं करके दिखाऊंगी, अगर ये कैसे बोल सकते हैं, तो शायद वो कहीं ना कहीं वो फैक्टर मुझे पॉजिटिव लगा और मैंने उसको पॉजिटिव लिया। आपको हर जगह कोई ना कोई मिलेगा कि ये क्यों कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि सबको उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और मैंने किया। ये सारी जिम्मेदारी मैंने अपने सर और मैम को दी हुई है, वो सब संभालते हैं।
मैं खेल मंत्री महिला हूँ, जो जो क्रिकेट है महिलाओं के लिए खाता, उसे लड़कियों को आप कैसे सोचते कि उनसे मिलकर मिला जाए, आपकी समिति आपकी कमेटी मिले समिति मिले, और क्रिकेट को महिला के खाता से महिलाओं को क्रिकेट से उनका टेंडर कहते हैं उसको और दिखाया जाए और ज्यादा जागरूक किया जाए लड़कियों को। मुझे लगता है कि पहले से अब काफी बेहतर हो चुका है हर जगह, चाहे क्रिकेट ही नहीं बल्कि हर गेम में अब महिलाएं आगे आ रही हैं, और मुझे आने वाले टाइम पे और भी बेहतर होगा। तो मैं यही आशा करती हूँ खेल मंत्री से भी या कोई भी है कि आप लड़कियों को रिकग्नाइज करें, उनसे जाके मिलें, बात करें, और सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे बहुत ज़्यादा मिला है जब मैंने वहाँ जाके अपना फर्स्ट मैच खेला। तो सेल्फ बिलीफ होना एक तो बहुत ज़रूरी है, आप जब कुछ भी काम करें कुछ भी खेलें, और दूसरी चीज़ पॉजिटिविटी, तो आपको देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी दोनों अंदर रहती है, बस ये आपको महसूस करनी पड़ती है, आप कॉन्फिडेंस भी आप ही के अंदर है। तो जो मैंने ऐसे टाइम पे अपने टीम को कंट्रीब्यूट किया है तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया कि यस आप कर सकते हो, वो सेल्फ बिलीफ। देखिए ऑब्वियसली आप जब हारते हो तो थोड़ी निराशा रहती है, लेकिन आप उस आपने क्या गलत किया या क्या आप सुधार सकते थे, अगर आप उस बारे में सोचेंगे तो आपको पॉजिटिव, आप कुछ भी करोगे आपको उसमें से कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर मिलते हैं। आप हमने कोई गेम खेला, अगर हम वो हार भी जाते हैं तो हमने कुछ ऐसे पॉजिटिव्स तो उसमें किए होंगे, तो हमने हमेशा वो पॉजिटिव्स देखे हैं, तो उस चीज़ से ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आ जाती है। मेरा पूरा विश्व कप अनुभव से भरा हुआ है, मेरा फर्स्ट वर्ल्ड कप था तो मुझे ये हमेशा ही याद रहेगा। मैं समझती हूँ कि BCCI ने ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, और मैं थैंक्स भी बोलना चाहती हूँ BCCI को, बिकॉज बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो अभी नेशनल टीम में नहीं जगह बना पाई, तो मैं समझती हूँ कि इसमें ये IPL होने से गर्ल्स को मौका मिलेगा और अच्छा कॉम्पिटिशन हो जाएगा।